तो अच्छे ना आप सब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई साहब। आज हम एसआरके की मतलब शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे भाई साहब। अभी के टाइम पे तो चल रहे भाई साहब गद्दार 2 भाई साहब। पूरी साल के फैन अभी बेसब्री से इंतजार करने के बाद गद्दार 2 पाया है, तो छोड़ देंगे यू ही? अरे बाबा नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। मतलब गद्दार 2 में भाई साहब 15 दिन हुआ रिलीज होने के बाद 450 करोड़ रुपया कमा लिया। इसका बजट था 150 करोड़ रुपया और उसमें कमा लिया 450 करोड़। तो भाई साहब समझ सकते हो गदर अभी के टाइम पे क्या हो गया बॉलीवुड। तो पहले भाई साहब क्या बताएंगे, जो ही फिल्म बना रहे थे फ्लॉप हो रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ बॉलीवुड अभी के टाइम पे, तो जो ही फिल्म बना रहे हो तो सुपर से सुपर हिट हो रहा है। हालांकि ओ माय गॉड 2 फ्लॉप। बेटे तब भाई कसम खाओ किसी को इतला नहीं करोगे, बताओगे नहीं? आका आपकी कसम आका मैं किसी को नहीं बताऊंगा आका, जमान का पक्का हूं मैं। चुके उसके बारे में नहीं बात करेंगे, फ्लॉप हो चुके। लेकिन उसके बाद भाई साहब क्या बताएंगे आपको अभी के टाइम पे भाई साहब। आप पहले देख लीजिए शाहरुख खान को क्या हुआ था, जीरो किया भाई साहब। जीरो करने के बाद वो तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके। उसके बाद एसआरके ने तो सोच लिया भाई साहब, जो 4 साल ब्रेक ले लिया एसआरके ने। 4 साल ब्रेक लेने के बाद पठान ले आया और दर्शकों की तो होश उड़ा दिया भाई साहब। दर्शकों ने तो सोचा कि ये क्या कर लिया भाई साहब, फैन ने कहा ये क्या कर लिया एसआरके ने, तो तोड़ फोड़ दिया भाई साहब। उसमें तो 1200 करोड़ रुपया यू ही कमा लिया भाई साहब। जो पठान थे वो तो फिल्म इंडिया में नहीं बाहर में भी चली थे भाई साहब पठान। लेकिन उसके बाद भाई साहब आप समझ लीजिए कि गद्दर की बाप आ गया एक तरीके से। गद्दर को कौन बचाएगा, गद्दर को तो आप भगवान ही बचा सकता है। उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है भाई साहब, क्योंकि एक तरीके से देख लीजिए भाई साहब के जवान की जो टीजर है भाई साहब वो तो जबरदस्त है। लेकिन आप उसको सब उस सबको छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या है भाई साहब, उसके बाद जो टिकट है भाई साहब एक दिन में ही 5000 टिकट बिक मतलब बिक गया भाई साहब एक दिन में। लेकिन फिल्म रिलीज होने की 10-20 दिन पहले ही भाई साहब, अभी फिल्म रिलीज होने की 20 दिन टाइम है बाकी है, लेकिन उससे ही पहले भाई साहब टिकट बुक हो गया। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस फिल्म के अंदर आपने देखा था कि गद्दर में आपने तो कहा गद्दर में तो 1 लाख बुक हो गया था पहले दिन, 1 लाख बुक हुआ था भाई। लेकिन उस फिल्म के अंदर मतलब जवान फिल्म के अंदर वो पहले ही 20 दिन अभी भी बाकी है, अभी के टाइम पे 5000 पहले दिन ही हो गया 5000 टिकट बुक। तो बताने की जरूरत नहीं है गाइस, कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये तो ऐसा कहने कहा। लेकिन ऐसा खोने के बाद भाई साहब ऐसा नाम कमा लिया ये तो अलग बात है। तो भाई साहब ऐसा कहने तो क्या बताएंगे भाई साहब, जवान फिल्म तो सबकी रिकॉर्ड फिकॉर्ड तोड़ दिया, बॉलीवुड टॉलीवुड सबको नीचे रख देगा भाई साहब जवान को। मतलब क्या हुआ इसका, उम्र आगे जाकर उम्र बढ़ रहा है कि कम रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। सलमान खान की फिल्म जैसे कि बना रहे कि भाई जान किसी का भाई किसी का जान, वो फिल्म तो पूरी तरीके से बकवास हो गया। मतलब सलमान खान जो ही फिल्म बना रहे फ्लॉप हो रहा है भाई साहब, सलमान खान की नहीं चलेगा। उसमें जो लुक दे रहा है भाई साहब सर जो हिटलर है मतलब उतना अच्छा नहीं लगता भाई साहब। सलमान खान जो ही फिल्म बना रहे दर्शक अच्छा नहीं पसंद नहीं करता उसको। लेकिन अभी के टाइम पे भाई साहब जो फिल्म बना रहे केसर के वो तो जबरदस्त हो रहा है। लेकिन भाई साहब क्या बताएंगे, पुष्पा 2 ही जल्द आने वाला है, तो जब जैसे ही आएगा अपडेट न्यू अपडेट आएगा तो आप सभी को बता देंगे पुष्पा 2 की भाई साहब। हमने हमारे आगे अगली वीडियो पे आपने दिखा दिया था पुष्पा 2 की टीजर और लुक पोस्टर सब कुछ दिखा दिया था उस फिल्म को उस वीडियो के अंदर। जिस लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट से हमारे चैनल के अंदर घुस जाइए, आप देख लीजिए भाई साहब उस वीडियो को। तो भाई साहब जवान के बारे में क्या बताएंगे भाई साहब, जवान के बारे में आपकी क्या राय है भाई साहब, आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाकर नोटिफिकेशन को वर्क कर देना ताकि ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे रहे, बाय बाय।